हेलो फ्रेंड, आज बनाऊंगी आलू पूरी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसे। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है 2 बाउल, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये नमक, सॉल्ट 1 स्पून, ये थोड़ा सा हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, ये अजवाइन है, इसको क्रश करके अच्छे से डालना है, इसको हाथ से क्रश कर लेना है। कलौजी है और थोड़ा सा जीरा, इसको भी क्रश करके डाल दे रही हूँ मैं। और ये रेड चिल्ली 1 टेबल स्पून, ये ग्रीन चिल्ली, बारीक कटा हुआ ग्रीन चिल्ली है, ये कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये है सूजी, सूजी ज़्यादा नहीं डालना है। और ये आलू है, मैंने आलू को बॉईल कर लिया है अच्छे से, 3 बड़े आलू लिए हैं मैंने। और इसको मैं कद्दूकस से क्रश कर लूँगी कि आटे में अच्छे से ये मिल जाए। आलू को थोड़ा सा, भाई बड़ा बड़ा आलू नहीं बचना चाहिए। उसको बाद में इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, एकदम आटे में मिल जाना चाहिए आलू। देखिए अच्छा से ये 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही मिक्स करना है आलू को। उसके बाद में तेल डालती हूँ थोड़ा सा, इसे बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसको भी मैं मिला लूँगी तेल को आटे में। उसके बाद मैं ऐसे ही करके मैं आटा को मिलाऊँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ मैं। पानी एक ही टाइम पूरा नहीं डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि आटा गीला ना हो, एकदम गीला आटा नहीं करना है। थोड़ा कड़ा आटा ही लगाना है। आटा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। इसको मैं आटे को लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल भी लगा लेंगे कि ऊपर से कोई एक परत ना जम जाए, सूख ना जाए आटा ऊपर से। इसको मैं कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और उसके बाद देखिए आधे घंटे बाद का ये वीडियो है। ऑयल में डाल रही हूँ कढ़ाई में, देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। एक बार फिर से मसल लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं छोड़ Thank you.